हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कभी कभी आपको होता है कि 100 से 100-150 कॉपी निकालने का आगे पीछे, उसमें आपका एक साइड तो अच्छा निकल जाता है लेकिन एक साइड दूसरे साइड में फंस जाता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है क्या? उसी का सॉल्यूशन जानने के लिए कि ये क्यों फंसता है, उसी का सॉल्यूशन जानने के लिए आज हम देखते हैं। ये अपन बैक साइड का इधर साइड पैनल खोलेंगे तो देखेंगे कि उसमें एक पट्टी रहता है दोस्तों। ये इसमें जो है ना, गोल वाला दिख रहा है दोस्तों, उसमें ये जहाँ लेजर रहता है उसी के अंदर एक पट्टी रहता है जो एक जाम हो जाता है। एक साइड तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये पूरा फ्री घूम रहा है, ठीक। दूसरे साइड में ये इसके ऊपर दोस्तों ब्लेड जो पतला हो रहता है दोस्तों, झिल्ली टाइप का ये चिपक जाने के कारण, इसमें दोस्तों ये चिपक जाता है जिसके कारण ये फ्री घूम नहीं पाता है दोस्तों। देखो ये, तो इसी को अपन हटाएंगे, छुड़ाएंगे, इसी को दोस्तों अपन छुड़ाएंगे। ए इसको दोस्तों मैं छुड़ा दिया हूँ, ये अब फ्री फ्री घूम रहा है, ये अब फ्री घूम रहा है, इधर का भी फ्री घूम रहा है, इधर का भी फ्री घूम रहा है। अब दोस्तों कवर को बंद करके, मशीन कवर बंद हो गया है, मशीन को ऑन करते हैं, इसको देखते हैं दोस्तों अब आगे पीछे में फंसता है कि नहीं। दोस्तों इस टाइप का फंस जाता है, जैसे एक एक तरफ तो ठीक आएगा दोस्तों, प्रिंट एक तरफ पूरा हो जाएगा, दूसरे तरफ पेपर उल्टा रिवर्स में खींच नहीं पाता है दोस्तों उसके कारण। तो दोस्तों उस पर पेपर नहीं डाला हूँ, ऐसे पहले डुप्लेक्स चेक कर लेते हैं, 1/2 साइड स्टार्ट, एक बार और कर लेते हैं बिना स्कैन का। अब ओके दबा के देखते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों ये आगे पीछे प्रिंट होके आ गया दोस्तों। ये जब मशीन गर्म हो जाता है दोस्तों, मतलब आप लगभग 200-250 के आसपास करते हैं तब ये प्रॉब्लम आता है दोस्तों। हाँ, मशीन को गर्म हो जाता है और आपस में चिपक जाते हैं तो ये प्रॉब्लम होता है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और भी कुछ डाउट होगा तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं दोस्तों, कमेंट्स कर सकते हैं।